बात करें देश के प्रधानमंत्री की, तो आज हमारे देश में मोदी जी के नाम को भुनाने में और इस नाम को यूटिलाइज करने में कोई भी आदमी जरा सी भी कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इंडिया में मोदी ही बिक रहा है और मोदी के नाम पर आप कुछ भी बेचना चाहें वो आसानी से बिक जाता है। तो हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हाल ही में ठगा है 2000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र त्रिपाठी नाम के उस शख्स की जो गोरखपुर का रहने वाला है। उन्होंने 2, 4 या 10 नहीं बल्कि पूरे 2000 लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नाम पर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ठगा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने एक ऐसी आर्टिफिशियल कंपनी बनाई, इजाद करी, जिसे इसने नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया और ये प्रतीत होती थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट जैसी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसने अपने कंपनी के आसपास एक ऐसा इसने ताना बाना बुना, इसने अपनी वेबसाइट बनाई, इसने अपनी संस्था एक ट्रस्ट बनाया और सभी चीज़ों में इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर को इसने यूज़ किया कि लोगों को ऐसा लगा कि ये जो इसकी कंपनी है, ये जो ट्रस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस उसी की सब्सिडियरी है एक तरीके से। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब इस नटवर लाल राजेश त्रिपाठी को पकड़ा तो बहुत सारे फैक्ट्स और तथ्य सामने आए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मोदस ऑपरांडी समझ में आया वो कुछ इस तरीके से समझ में आया कि सबसे पहले इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उसके बाद इसने एक वेबसाइट बनाई nhdoindia.org, जिसमें इसने दोनों जगह पे इसने प्रधानमंत्री मोदी जी के तस्वीर को यूज किया और उसके बाद इसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की इसने प्लानिंग करी जिसे इसने नाम दिया राष्ट्रीय आवास योजना। इस इवेंट के लिए इसने 4 एड एजेंसी को संपर्क किया और उनसे बोला कि वो अपनी बिड दें ताकि ये उनकी मदद से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके और वहाँ पर लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री, और इस तरीके से दिखाया कि वहाँ पर जो लोग आएंगे उन्हें उनके घर का रिसिप्ट या फिर घर की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेगी। हाँ, और इतना ही नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय मिनिस्टर्स भी यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड करेंगे, ऐसा उसने पूरी एक माहौल बनाया। और इसके नाम पर उसने लोगों से 10-10 हज़ार रुपए के अर्नेस्ट मनी भी लिए इसने। तो ये जो राजेंद्र त्रिपाठी नामक शख्स है, ये इसने पहली बार इस तरह का एक फ्रॉड नहीं करा है। आज से करीबन 15 साल पहले 2004 में भी ये एक फर्जी NGO बनाकर लोगों को ठग चुका है और उनसे इसके एवज में काफी सारे पैसे ले चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गोरखपुर से करीब अर्ली 90s में 1990 के आसपास में ये दिल्ली आ चुका था। तो दिल्ली आकर इसने एक NGO बनाया और NGO को नाम दिया इसने LIC पॉलिसी होल्डर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी इसने NGO बनाया और फिर इसने एक माइक्रो क्रेडिट एक स्कीम चलाई जिसके तहत इसने NGO दूसरे NGO से भी इसने लोन लिया, ये कहकर कि इस पैसे को वो गरीब महिलाओं के लिए यूज करेगा, उनकी लाइफ की अपलिफ्टमेंट के लिए इसको यूज करेगा। तो दोस्तों, आखिरकार इस रियलिटी फ्रॉड का खुलासा कब हुआ? आज से लगभग 1.5 साल पहले 9 फरवरी 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के सामने एक लेटर आया जिसमें ये पता चला इस शख्स ने, राजेंद्र त्रिपाठी ने, अपनी कंपनी नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन के पद पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर दिखाया और उसमें ये बताया कि उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन गरीब लोगों को घर प्रोवाइड कराती है और फ्लैट प्रोवाइड करवाती है हाउसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। जी हाँ, और इसको इन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इसकी जो हाउसिंग सोसाइटी जो स्कीम है वो कवर्ड है और इसके तहत इसने 10-10 हज़ार रुपये का टोकन अमाउंट या अर्नेस्ट मनी जो आप कहते हैं वो इन्होंने लोगों से लिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत लोगों को चीट करा जा रहा है, उनको गुमराह करा जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की फोटोग्राफ देखकर या किसी होर्डिंग में उसकी फोटो देखकर आप किसी भी हाउसिंग स्कीम में अपनी फ्लैट को बुक कराते हैं तो सावधान हो जाइए। सबसे पहले उसकी प्रॉपर रेकी कीजिए, उसकी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, पता कीजिए कि वाकई में ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या इसी तरीके का कोई केस आपके सामने है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप भी इस तरह की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ठगे जाएं और किसी फ्रॉड का पार्ट बन जाए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश आपको सावधान करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए कि इस मार्केट में इस तरीके की भी चीज़ें चल रही है जिसमें आपको सब चीज़ें लगेंगी कि ये सरकारी संस्था है, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वाकई में सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। तो हम आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे और आपको बताते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए प्रॉपर एनालिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।